नमस्कार, मैं आमिर, सत्ता से सवाल, जनता की आवाज़ कार्यक्रम के तहत हम आप पहुंचे हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला युवा अध्यक्ष जी के आवास पर। इन्होंने कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश की है। आइए हम इनसे कुछ बातों पर मुखातिब होते हैं। सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश यादव है और मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष हूँ। आप राजनीति कब से कर रहे हैं? जी मेरा राजनीति का सफ़र शुरू हुआ था 2013 से। सबसे पहले मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल कटिहार में जिला उपाध्यक्ष के पद पे रहा और मेरे कार्य को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व के द्वारा माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा मुझे 2016 में कटिहार का जिला अध्यक्ष बनाया गया और पुनः 2020 में मुझे फिर से युवा राष्ट्रीय जनता दल जिलाध्यक्ष बनाया गया है मेरे कार्य को देखते हुए। और आगे भी मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करता रहूँगा, कार्य करता रहूँगा। राजनीति में जुड़ने का कारण क्या रहा और उद्देश्य क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो गरीब दलित पिछड़े पर जो अत्याचार हुआ होता आया है अभी तक, यह हम लोगों ने भी देखा है। और तेजस्वी यादव जब से पार्टी में आए तब से उनको देखते हुए हम लोग ठाने कि नहीं, उनका साथ है, बहुत अच्छे इंसान हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, बिहार के भविष्य को बदलने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने युवा राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया और अभी काम कर रहे हैं। सीमांचल आज भी कहीं ना कहीं पिछड़ापन, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछड़ने का बहुत सारा कारण है। यहाँ बिहार में और देश में जो नेतृत्व है वो किन लोगों के पास है ये आप लोग जान रहे हैं। ये लोग तानाशाही लोग हैं, इनको जन समस्या से कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, छात्र मजदूर से कोई मतलब नहीं है, नौजवान बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है, किसान से कोई मतलब मेरे हमारे सरकार में जो 15 साल हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का जंगल राज, ये सिर्फ कहने की बात है। आज कौन सा मंगल राज है? रोज मानते हैं कि जब लालू की सरकार थी तब जंगल राज था? बिल्कुल नहीं, कैसे मान सकते हैं हम लोग? आप लोग कैसे मान सकते हैं जंगल राज थी? वो समान विचारधारा को लेकर चलने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी रहे हैं और सबों का साथ, सबों का विकास। एक्चुअल में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दिखाने का काम किया है। रेलवे जो घाटे में चल रहा था, उन्होंने रेलवे को इतना मुनाफा दिया कि पूरी दुनिया में डंका बजा अपने देश का, भारत का, कि देखिए भारत में जो रेल मंत्री हैं रेल के क्षेत्र में कितना मुनाफा दिए। रिकॉर्ड है ये, सबों को जनमानस को पता है। लोगों के द्वारा जो ये कहा जाता है, देखिए ये मनुवादी लोग हैं जो इस तरह का रीमर फैलाते हैं, वो मनुवादी लोग हैं। और उनको जनता, गरीब, आपको मैंने पहले कहा, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, किसी से कोई लेना देना नहीं है, जनता के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आम आदमी को, आम जनता को क्या चाहिए? क्या आज सभी लोग खुशहाल हैं? हर आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। और ये 2020 में तो कोरोना काल में आपने देखा ही सरकार की कितनी फजीहत हुई आम आदमी के द्वारा। ये सब कहने की बात नहीं है, ये सब देखने और समझने की बात। अगर हम बात करें युवा रोजगार की या फिर पढ़े लिखे बेरोजगार, आज भी बिहार में पढ़े लिखे भी बेरोजगार हैं। बिल्कुल हैं, बहुत सारे हैं। इसका देख लीजिए, बेरोजगार जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, छात्र, नौजवान बीएड करके, इंजीनियरिंग करके बहुत सारे वैकेंसी निकले बिहार में, लेकिन किसी भी आदमी को सही ढंग से, सही मानक पर रोजगार मुहैया नहीं हुआ। अधिकांश वैकेंसी रद्द कर दी गई सरकार के द्वारा। कितने वैकेंसी भरे गए हैं छात्रों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा, बेरोजगारों के द्वारा, लेकिन एक भी वैकेंसी आप बताइए कि सही सलामत और सही समय पे उसका निष्पादन हुआ हो, सही समय पे ज्वाइनिंग की गई हो।
मेरे समझ से तो पड़े है। आज जो है रोजगार नहीं मिल पाएगा। हाँ देखिए, कब तक हमारे माननीय, कब तक नहीं, बस कुछ महीने हैं। बिल्कुल, किस किस विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी? देखिए, मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि कटिहार रहा है जी। और मैं अपने कटिहार जिला से हैं, कटिहार विधानसभा से हैं, अपनी दावेदारी दी है। और माननीय तेजस्वी यादव जी ने वर्ष 2017 में हम लोगों की बैठक थी, सभी युवा राजद के जिला अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक थी। उस बैठक में उन्होंने वादा किया था कि आगामी आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को 40% युवाओं की भागीदारी रहेगी। उसी को देखते हुए हम युवाओं ने भी अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। सदर विधानसभा कटिहार क्षेत्र, हाँ, तो आप ही के पार्टी से और भी कई लोग, बहुत सारे लोग हैं, आपने दावेदारी, बहुत सारे क्यों चुना जाए आपको, क्यों पार्टी के अंदर से अलग क्यों कर दे? हम, ये अच्छा सवाल है। देखिए, संगठन चलाना ये अलग चीज है और पॉलिटिक्स, टिकट के लिए पॉलिटिक्स करना ये अलग चीज है। हमने संगठन को तैयार किया है, जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की कमेटी हम लोगों ने 100% तैयार की है, जो कार्यालय में जमा किया जाएगा एक दो दिनों में। इसी को देखते हुए, हमारी मौजूदगी को देखते हुए, हमारी मजबूती को देखते हुए, हमारे मनोबल को देखते हुए, युवा राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से कटिहार में क्रियाशील है, कार्यरत है और जो दृढ़ इच्छा संकल्प पाले हुए है कि आगामी विधानसभा में माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इस लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। और युवा की भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है विधानसभा चुनाव में, इसीलिए हमने अपनी दावेदारी दी। किसानों की बात करें अगर हम, हाँ, किसान के बारे में आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, हम लोगों ने आंदोलन भी किया है, ये सब आज जो किसान की स्थिति है वो किसी से छुपी हुई है नहीं। नए नए बिल बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको जो मूल्य है अनाज का वो सही ढंग से किसानों को नहीं मिल पा रहा है। आज बाढ़ पानी की जो समस्या है, इसमें किसान का फसल डूब रहा है, चप्पल घिस जाता है किसानों का ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते। तो अगर हमारी सरकार आती है तो उनको चप्पल घिसने की ज़रूरत नहीं होगी, उनका काम पंचायत स्तर पर होगा। हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि कटिहार की जनता, ठीक है, अगर आपको आपके पार्टी के नेतृत्व में टिकट दी जाती है तो कटिहार की जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, हम लोगों के बारे में और युवा राष्ट्रीय जनता दल के बारे में पूरे कटिहार विधानसभा है नहीं, पूरे बिहार को पता है कि ये लोग जमीनी स्तर से सबों को साथ लेकर संगठन करने वाले लोग हैं और जनता के समस्याओं को समय समय पर उजागर करने का भी काम युवा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले होते आया है। इसी से हमें पूरा अपने कटिहार विधानसभा के जितने भी सम्मानित जो जनतागण हैं, मतदाता हैं, उनसे हमारी अपील होगी कि हमें अपने काम के नाम पे युवा राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी बनाया जाएगा मुझे, तो मैं अपने काम के आधार पर वोट मांगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।